Africa. Busna. Ah, Busna. Salam. Oh, yeah. It's yeah, yeah. Music. Music. Ah, music play. वो बोल रही है कि मैं आपके लिए म्यूजिक प्ले कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर डे इन मशहद। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मशहद में। कमरे में हम आए थे, सामान वगैरह हमने रख दिया वहाँ पे। अभी हम लोग ना यहाँ से आगे जाने लगे हैं सिटी एरिया में घूमने फिरने के लिए। सबसे पहले तो आप ये वाला सीन चेक करें, ये सारा मार्केट एरिया। लेकिन इस एरिया के बारे में कहा जाता है क्या, ये एरिया जो है इसी तरह ही है जिस तरह आप पाकिस्तान या पंजाब में फिर रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ें लेनी है, मुझे ये बताया गया, तो यहाँ से ले लीजिएगा। तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। अब बाकी का जो एरिया है, जैसे रज़ा बाज़ार है या दूसरे बाज़ार हैं, वो हैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो इसकी निस्बत थोड़ी महंगी मिल जाती हैं। और जहाँ पर हमने हॉस्टल वगैरह ले रखा है भाई साहब, वो तकरीबन रोज़ा इमाम रज़ा से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 मीटर दूर हो सकता है। तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। मैं चूँकि दूसरी दफ़ा आया हूँ तो मुझे ईरानियों की रकात का बखूब अंदाज़ा है ना। मैं इन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये लोग कैमरे को आवाज़ें मारना नहीं छोड़ते कभी भी, पता नहीं शायद इनकी फितरत है। बाकी ऑल ओवर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। खैर आप चेक करें बच्चों के खिलौने वगैरह की चीज़ें है भी। बाइक देख बहुत। अच्छा मशहद के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मशहद खुलता ही रात को, दिन को नहीं, बस ये बात माइंड में रखिए। अगर इसमें स्पाइसी कुछ नहीं होता है, ईरानी फूड में मिर्चें नहीं होती भाई साहब, ये चीज़ है। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर इंशाल्लाह वापस। अगर यहाँ पे आए ना तो शवारमा ज़रूर ट्राई करें। आपस की बात है भाई, मशहद की रौनकें बकरी हैं। हमारा दूसरा दिन है, क्योंकि अफगानिस्तान से होके आए थे तो वैसे ही थोड़ा सा दिमाग ख़राब चल रहा था। दिमाग ख़राब से मुराद के थोड़ी सर को दर्द, सर में पेन थी ना, इसलिए। मशहद में आप जब भी आएंगे डेफिनेटली ये बाज़ार देखे बिना तो आप जाएंगे नहीं, और जाना बनता भी नहीं भाई साहब। जो मशहद है ना भाई साहब, ये सिर्फ सिटी तक महदूद नहीं है, इसके ना बाहर भी काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाई गई हैं जो थोड़े शहर से दूर हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए अगर आप टैक्सी लें ना तो भी आप सारा दिन में वो घूम के वापस आ सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं वहाँ नहीं गया तो मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि यार मैं बजाए यहाँ रुकने के ना मैं तहरान की तरफ निकल जाऊँ। लेकिन वो भाई साहब ये बता रहे हैं कि अभी थोड़े हालात ख़राब जा रहे हैं, तो इंटरनेट अभी तक बंद है भाई, अभी तक नहीं इंटरनेट शुरू हुआ, आप हिसाब लगा लें। हम यहाँ पे नोट करेंसी चेंज करवाने आए हैं, काफ़ी रोला डाल रखा भाई साहब भी रोते पे, और हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें तो खैर करने नहीं देंगे इनको ना। 31,000 रुपये पाकिस्तानी के हमें 4 मिलियन दे रहे हैं, ये तो ठीक ही है मेरे ख्याल में। चंद तुम तुमान यही गिला है ना, नहीं। 1 लाख से काम नहीं करता, यानी 800 से बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कुछ ईरानी तो डीट होते हैं भाई, प्राइस कम नहीं करते। अब 100 का बोला उसने, मेरे ख्याल में 100 का ही देगा। ये वाला बैग आगा ताला, ताला नहीं आगा, अब वो वहाँ से निकाल के देगा। हाँ चेक में एक दो 100 का मिल गया, यानी पाकिस्तानी 800 रुपये में एक बैग मिला है, पासपोर्ट वगैरह इसमें डालने के लिए। हाँ ये पक्स, ये जी करेंसी है ईरान की। ये सामने जो स्टेट आप रोड देख रहे हैं ये रोज़ा इमाम रज़ा की तरफ जाता है, वहाँ से हम नीचे टर्न होंगे और आगे सीधा रोज़ा इमाम रज़ा होगा। तो सबसे पहले आपको रज़ा बाज़ार दिखाता हूँ। अब रात का वक्त होगा तो फिर रज़ा बाज़ार के शशके कुछ ज़्यादा ही होंगे। मेरा मतलब ये है कि फिर अब रश भी ज़्यादा होगा, दुकानें भी सारी खुली होंगी, और सुबह सुबह तो वैसे भी सारी दुकानें नहीं खुली होती। हाँ चेक करो, सामने जो आप देख रहे हैं ये बाज़ार मरकज़ी है मशहद का। खाने की अगर स्टॉल्स वगैरह हैं या खाने की फूड्स मिल जाएं तो ये और भी बेस्ट हो जाए। सलाम तो भी आराम, ये सारी शॉप्स आप देख सकते हैं। इंटरनेट की सर्विस बंद है, इस वजह से ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा आपने देखा कि यहाँ पे ना इराक वाले अरबी भी आए हुए हैं। अभी यहाँ से मुझे लगता है फिर रोज़ा इमाम रज़ा बिल्कुल करीब ही है। हरम रोज़ा इमाम रज़ा, ओह वो सामने आपको रोज़ा इमाम रज़ा का मीनार नज़र आ रहा होगा। मरकज़ी बाज़ार था मशहद का, लेकिन ये रज़ा बाज़ार नहीं था। चाह रहा हूँ कि मैं आपको आज रज़ा बाज़ार ही दिखाऊँ, आपने वैसे तो पिछली वीडियो में देखा होगा। अच्छा आप लोग जैसे ही रोज़ा इमाम रज़ा की तरफ जाने लगते हैं ना, तो आपको लाल नीली और वाइट कलर की जो है ना वो बत्तियाँ नज़र आएंगी। बत्तियों का ये सीन है भाई साहब कि ये बत्तियों का कलर इनके झंडों में भी है,
तो उन्होंने सेम वही झंडों वाला कलर इधर बना रखा है, मतलब समझ गए आप सारा ना, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ईरान में ख्वातीन को ना बहुत ज़्यादा हक हासिल है। ख्वातीन चाहे ना तो बंदे पे इस बात का भी केस कर सकते हैं ईरान में कि ये हमें घुमाने के लिए क्यों नहीं लेके जाता। आप अंदाज़ा लगाओ इतने राइट्स उन्होंने औरतों को यहाँ पे दिए। मैं कोई इनका एजेंट बन के नहीं बात कर रहा, जो बात मैंने सुनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मुझे देखने को भी मिली है। आप जब भी मस्जिद में आए ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी औरतें फैमिली मिलेंगी जो सड़कों के किनारे खाना बना के खा रहे होते हैं। तो वो मैं बड़ा सोचता था कि यार ये क्यों लोग खा रहे हैं, तो अब माइंड में आया कि यार वो औरतें मुड़ी देती हैं ना बंदे को तसल्ली नाल, पुत्र चल ले चल सानू, तो वो फिर भाई साहब इसलिए धक्के के साथ ले आते हैं। यहाँ तक पहुँचे लेकिन एक सीन हो गया, वो सामने ना उन्होंने ना बंद कर दिया वो वाला हिस्सा, यानी रोज़ा इमाम रज़ा जाने के लिए हमें ऊपर से होके जाना पड़ेगा या उधर से होके जाना पड़ेगा। वो सामने वाले हिस्से पे ना उन्होंने बोर्ड लगा दी, पहले तो आया था तो लेकिन ये वाला हिस्सा खुला था। जब हम ना जी काबुल से निकले हैं ना तो सिर्फ जहाज़ में जो चीज़ मिली थी वही खाई है, उसके बाद हिरात और हिरात से डायरेक्ट आ गया है, कहीं पर नहीं रुके, कहीं पर खाना नहीं खाया। उसी के लिए ना ईरानी लोकल्स जो ट्रेडिशनल खाना है ना फिर वही ट्राई करते हैं भाई साहब। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का पता किया है लेकिन वह बंद हो चुके हैं, एक आध है ज़रूर। ये चीज़ आप चेक करें, बिल्कुल चमड़े वाली गरम भाई साहब। हाँ मेरे ख्याल ईरान की ट्रेडिशनल टाइप है ना, जैसे कुर्द लोग नहीं पहनते, ये सेम वही है भाई, जो घोड़ों के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं और इस तरह का लिबास उन्हें पहना होता है, गर्म आखिर फिर सर्दी लग जाए। और खैर जितना यहाँ पर टम्परेचर होता है फिर मेरे हिसाब से ना ये चीज़ तो होनी चाहिए। अच्छा खैर ना भाई साहब, मैंने यहाँ पर ना एक शॉप देखी मिठाई फूड वाली, यानी पे मेरे ख्याल समोसे टाइप और इस तरह की उनके पास चीज़ें हैं, तो ट्राई करता ट्राई करो। सलाम, डू यू हैव नो स्पाइसी फूड? सी ना इंग्लिश ही स्पाइसी फूड यू नो, लेकिन अभी हम स्पाइसी। क्या बात कर रहे हैं अभी शबीर भाई है मेरे साथ। हाँ उन्होंने कहा कि स्पाइसी फूड के लिए हमें बता दें। स्टेट डोंट नो इंग्लिश टेस्ट गुड। व्हाट अबाउट दिस नॉट गुड, गिव मी चॉकलेट। मीठी स्पाइसी चीज़ तो कुछ नहीं मिली लेकिन उनको ना एक चॉकलेट वाला बोला है। म्यूजिक प्ले पे वो बोल रही है कि मैं आपके लिए म्यूजिक प्ले कर देती हूँ। कोई नहीं कह रहे है ना, हमने ये इट्स गुड जी, गुड। आप चेक करें यार, ये चॉकलेट चेक करें, थोड़े सारे यार जी, मैं अभी टेस्ट कर रहा चला किस तरह जबरदस्त खूब रिवायती मिलाप, यू आर रिवायती मिलाप। ये क्या रिवायत है? बूसना। हां बूसना सलाम। ओ हां हां यार इट्स या इट्स सो फनी। हां जी पानी आ रहा है मुंह से वीडियो वाले। इज दिस अल्कोहल? अल्कोहल ना हराम हराम अल्कोहल में ना। मैं गुफ्ती थी अल्कोहल। हां ए दस्त मंदा बारा जंदा
قسم ہو وہ بول رہی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ورزش کے لیے بھی جاتے ہیں ورزش بھی کرتے ہیں یو نو چائے چائے In Pakistan, we take chai, not coffee, chai. Eh? Chai. Chai ke put dige, goftan chai. Na, chai. Oh, repartir ditti. No, sheer chai. Milk. Sheer chai, sheer. Malum? Sheer? Haan. Sheer? In Pakistan. Oh, sheer has. Hey, has? Nahi, rehne de, tamiz kar. Mushabaka. Mushabaka. Deldar. Na. Man zahir na, man gardish gar. Hujjat al-Islam. وہ بول رہی کہ بھائی جان باہر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے پکڑ لیتے وہ کہتے کہ میوزک حرام ہے بھائی ساڈا کھانا تاج ہو گیا اوکے سو ہاؤ مچ چن کھڑ تے نہیں نہ کھڑ نہیں پھول ایرانی داری پہ بھی نام پھول تو گیو اس لائک ہاؤ مچ بھائی صاحب یہاں سے کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی بھائی صاحب کیش دینے لگے ہیں بڑا ہی وی آئی پی کیک تھا زبردست اچھا جی ابھی ہم نے ادھر سے کھانا وغیرہ کھا دیا یہ ہلکا تو پیسے میں نے اس کو سارے دے دیے تھے ان میں سے یہی ہمیں وہ واپس دے رہی ہے جی اتنے اس نے لے لیے کتنے ہیں یہ بس رہنے دینا گننے تو دو ایک منٹ بھائی گننے تو دے پاکستان سے کما کر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس زیادہ لے جی ہمارا کیک ہو گیا آج کا سین کیا تھا بھائی سین یہ ہے کہ بھائی صاحب نا یہاں سے ہمیں اسپائسی فوڈ تو ملا نہیں لیکن میٹھا کیک مل گیا تھا وہ ہم نے کھا لیا اور ساتھ دو نشابے بولتے ہیں تین پیک کو وہ ہوئے یار بھائی صاحب وہ خاتون بول رہی تھی کہ میں جو ہے نا ورزش کرنے جاتی ہوں اب یہ بندہ اسے بول رہا ہے کہ یار آؤ میری بھی نہیں پکڑو میں کہا بھائی خدا کا خوف کر کس دنیا میں پھر رہے ہو یار تم ٹھیک ہے اور یار بھی نہیں پکڑو can I use this card here پاکستان سے اچھا یار یہ کارڈ ہے کل استعمال کرنا ہے یہ ہمارے پاکستان کا کارڈ ہے ہو جائے گا نہیں نہیں یہ تو انٹرنیشنل کارڈ اس میں پیسہ تو ہے انٹرنیشنل ہے وہ تو صحیح ہے مگر یہ انٹرنیشنل نہیں ہے یہ نہیں ہوگا پھر فائنلی ہم نے نا دو شاورمے کے لیے آرڈر دے دیا ہے اور پتہ نہیں وہ کتنے وہ بول رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی نا میں ان سب کو لکھے ہوئے ہیں فلفل فلفل ہم نو آپ یقین کریں گے بھائی صاحب یہ شاورمے ہمیں نا دو شاورمے تقریباً پاکستانی آپ یہ سمجھے کہ 1600 روپے میں ملے ہیں پاکستانی 1600 روپے میں یعنی ایک شوارما 800 روپے کا بھائی صاحب صحیح واٹ لگی اصل میں نا وجہ یہ کہ وہ جس ریسٹورینٹ پہ ہم گئے نا وہ سارے فورنر تھے وہاں پہ عربک لوگ تھے جو شیخ تھے ان کی فیملیز تھی تو وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے بھی سوچا کہ یار یہاں پہ ہو سکتا ہے اسپائسی فوڈ مل جائے ہم نے پوچھا بھی انہوں نے کہا مل جائے گا لیکن جب بل آیا نا بھائی تو واٹ لگ گئی لیکن کوئی نہیں خیر ہے 1600 روپیہ دو شوارما زیادہ تو کوئی نہیں یار پاکستانی 1600 زیادہ نہیں ہے 60 روپے کا شوارما لبے تو 1600 روپے کا لائے اس کے ساتھ ایک یہ بوتل بھی آگے پڑے گا ایٹا ابھی شوارمے کو ان باکس کرنے لگے ہیں اور دیکھے جناب گیٹ تو بڑا شوارما ہے اور پھر اتنے پیسے تو بنتے ہیں یار میرے خیال میں انہوں نے صحیح لیے پیپر بھی اچھا اور ہارڈ پیپر لگا صحیح ہے